फिर आप कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तब हम लोगों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक रुक के फायदा नहीं है, अगर ज्यादा दिन हम रुके रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये देश फिर से राजतंत्र के हाथ चलों चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों पर खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे हैं, लेटरल एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे हैं। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज आपके संघर्ष से देश भर में चर्चा है कि राजभवन पर 3 तारीख के जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक होंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। अगर आज ऐसा माहौल हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मुझे संघर्ष करना आप लोगों ने सिखा है, मुझे ताकत आप लोगों ने दी है। अगर आप लोगों ने संरक्षण न किया होता, मेरी साथ न दिया होता, तो शायद आज राजस्थान में ये विश्वास और प्यार मजबूत नहीं होता। राजस्थान के लोगों ने तो मन बना लिया, उन्होंने सारे नेता देख लिया, उनको समझ आया कि आजाद समाज पार्टी को ताकत देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारे लोग इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अरुण को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकओवर दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनका विरोध करके अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता ये तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही रहे हैं, अब ये अगर समाज 12 साल अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी राजनीतिक हैसियत छोड़ के नहीं गया और कृष्णा को बन गया, तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने बलबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों पर, लेकिन 6800 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय या सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनको पीट पीट के भगाने काम भाजपा के लोग करते हैं।